हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियापुर। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? मान लो हमारे पास एसिड है CH3COOH। एसिड एक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? H+ और CH3COO-। राइट। तो यहाँ पे एक मोल CH3COH से मान लो हमने शुरू किया T=0। अब इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या हुआ? देखो, जब एक मोल था तो इसके कितने थे? जीरो और जीरो। अब अगर एक में से x मोल डिसोसिएट हो, जिससे x मोल ये और x मोल ये बने, कि x जो है, x है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फा लिखते हैं। अल्फा क्या है? x, मतलब एक मोल सब्सटेंस में से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, वो होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो किसी चीज के 5 मोल है, 5 मोल PCl5 है। जब वो डिसोसिएट हुआ तो 2 मोल PCl3 बने। रिएक्शन क्या होती है? PCl5 मेक्स PCl3 प्लस Cl। 5 से शुरू किया, 0 अब अगर इसके दो बने, मतलब इसके 5-2, इसके भी दो यूटिलाइज होंगे, 3 बचे होंगे, 5 में से 2 यूज अप हुए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी? α=2/5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आई? 0.4। तो एक मोल सब्सटेंस में से कितने मोल डिसोसिएट होते हैं, कितने फ्रैक्शन डिसोसिएट होते हैं, वो होता है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो An एक मॉलिक्यूल है, इससे बने N एक एटम। मान लो इसके A मोल से शुरू किया था, यहाँ 0। जब इक्विलिब्रियम आया, मान लो A में से X मोल्स यूज हुए, यहाँ कितने बने? NX। अच्छा, X क्या है? A इनटू अल्फा, तो A माइनस A अल्फा, N A अल्फा, N टोटल टोटल मोल्स कितने हुए? A माइनस A अल्फा प्लस एन ए अल्फा, विच इज ए टाइम्स एन ए टाइम्स 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम अल्फा के टर्म्स में देखें तो। अच्छा, एक जरूरी चीज है, एन क्या है? जो मेरे कोफिशियंट है प्रोडक्ट के अपॉन जो कोफिशिएंट है रिएक्टेंट के। जैसे मान लो रिएक्शन है C+2H2 या फिर PCl5 मिक्स PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे कितने कोफिशिएंट है? 1+1 2। यहाँ कितना? 1। 2/1 कितना है? 2। तो n की वैल्यू कितनी? 2। अच्छा, अगर A3 से 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं A के, A मोल से शुरू किया 0, A माइनस A अल्फा 3A अल्फा, तो A प्लस 2A अल्फा, ये आ गए मेरे टोटल मोल्स, A टाइम्स 1+2 अल्फा। यहाँ पे अगर इनपुट करो, n माइनस 1 हुआ 2, राइट? n कितना था? 3। n माइनस 1 कितना हुआ? 2। a प्लस a टाइम्स 1+2 अल्फा, राइट? तो ये आप देख रहे हैं हमने कैसे किया, यहाँ कोफिशिएंट्स का जो फर्क आया उससे हमने किया। n क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये किसी मिक्सचर के ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट को कैसे इंपैक्ट करेगा? एक आती है चीज ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, एक आती है चीज ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। तो देखो, यहाँ पे हमें पता है, ये आएगा इक्विलिब्रियम पे, मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, राइट? जो भी मॉलिक्यूलर वेट इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, सारे मासेस का रेशियो लेके टोटल करके अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हुआ ए टाइम्स जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट है, अब
अपॉन ए टाइम्स वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स अल्फा, ये ए हटा दो, मतलब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स अल्फा, ये आया मेरा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो जो मेरा थ्योरेटिकल ये है, ऑब्जर्व कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स अल्फा। अच्छा, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी क्या होगी, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी इक्वल टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट बाय टू। जो नॉर्मल वेपर डेंसिटी होती है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय टू, तो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी क्या होगी, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट बाय टू, विच इज थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू टाइम्स वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स अल्फा। तो अच्छा, मैंने जो सोचा था वो क्या है, एम थ्योरेटिकल बाय टू। अगर हम रेशियो देखें किस चीज का, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एम थ्योरेटिकल टू टू कट जाएगा, वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स अल्फा, राइट, ये मेरा रेशियो आया। अब अगर इस चीज को मैं देखूंगी तो अल्फा कितना आएगा, डी माइनस डी बाय डी टाइम्स एन माइनस। अब अगर इसी को डिवाइड कर दो तो जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास आया माइनस जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है अपॉन जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है इनटू एन माइनस वन, तो ये अल्फा का फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इनटू एन माइनस वन। एन क्या है, एटॉमिसिटी लिख सकते हैं इसे, या फिर sum of coefficient of products upon sum of coefficient of reactants, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, right? तो degree of dissociation क्या होती है, the fraction of the number of moles जो dissociate होते हैं, जैसे एक mole में से कितने moles dissociate होते हैं, वो होता है alpha, right? रिएक्शन में से कैसे आते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास टाइम्स एन माइनस वन। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।